कि तुरंत कुछ ही घंटों में आरोपी को पकड़ा गया है और आरोपी को पकड़ा गया है, इंटरोगेट करेंगे और मिट्टी में मिला देंगे उखाड़ के फेंकेंगे। थैंक यू सर। कृष्णा आगे चल बूम कैमेरा साइड लगे ना, सर सर कैमेरा बाजू लगे ना, बस 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 अरे शांत बसाया। एक विक्की गुप्ता आणि सागर पाल पाल या दोघांना अरेस्ट केले भुजबळचे राहणारे आहेत चंपारण मधले आणि पोलिसांनी 25 तारखेपर्यंत पोलीस कस्टडी घेतलेली आहे। त्यांना इंटरोगेट करतायत, त्याच्यातून पूर्ण चौकशी चौकशीतून सत्य बाहेर येईल आणि पूर्ण चौकशी अगदी मुळापर्यंत याची चौकशी केली जाईल। तशा प्रकारच्या सूचना पोलीस आयुक्त आणि पोलिसांना दिलेल्या आहेत, त्यामुळे याच्या मागे कोण आहे त्याला पूर्णपणे तिथपर्यंत पोलीस शोध घेतील चौकशीमध्ये आणि कठोर कारवाई पोलीस त्याच्यावर करतील। यापुढे अशा प्रकारची हिम्मत कुणालाही करता कामा नये, अशा प्रकारची जरब पोलीस त्यांच्यावर बसवतील आणि त्याचबरोबर सलमान खानच्या नातेवाईकांना सलमानला पोलीस सुरक्षा वाढवण्याच्या सूचना पोलीस आयुक्तांना मी दिलेल्या आहेत। त्याप्रमाणे कुठल्याही परिस्थितीमध्ये सलमान खानला मी भेटलो, त्याला सांगितलं, दिलासा दिला, सरकार सलमानच्या पाठीशी उभं आहे, परिवाराच्या पाठीशी उभं आहे, सरकारची जबाबदारी आहे त्यांच्या सुरक्षेची। आणि पुन्हा या ठिकाणी अशा प्रकारचं धाडस कोणी करू नये, त्याची सर्व काळजी सरकार घे। हिंदी में जानना चाहिए सर, क्या बातचीत हुई पूरे केस के बारे में, सलमान का क्या रिएक्शन था आपसे मुलाकात के बाद? सलमान अरे शांत रहे हमारे मैंने सलमान की भेंट हुई है और उनको मैंने कहा है पूरी सरकार आपके साथ है। जब यह हादसा हुआ था तब मैंने पुलिस कमिश्नर को तुरंत सुबह ही सूचना दी थी जल्द से जल्द ये पुलिस कार्रवाई करे और इनको अरेस्ट करे। तो कल ही इनको भूज में से अरेस्ट हुआ है दोनों को, विक्की गुप्ता और सागर पाल जो चंपारण बिहार के हैं, उनकी पुलिस कस्टडी है अभी और पुलिस कस्टडी में पूरी तरह पूछताछ होगी और इसकी पूरी जड़ तक ये केस जानी चाहिए और जो भी इसमें शामिल है उसको बिल्कुल उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। फिर से ऐसी हिम्मत मुंबई में किसी के ऊपर ना करें, ऐसा पुलिस कार्रवाई। सर अंडरवर्ल्ड एक तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन क्या इस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग फिर से एक जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसको भरने की कोशिश इस तरह से कर रहा है, कैसे इसमें लगाम लगेगी? अभी कोई गैंग वांग नहीं है, ये पूरा अंडरवर्ल्ड खत्म हो चुका है और ये बिश्नोई को कोई भी खत्म कर देंगे हम लोग बिल्कुल। ऐसी कोई भी जो हिम्मत नहीं करे ऐसी कार्रवाई पुलिस करेगी। ये मुंबई पुलिस है, ये महाराष्ट्र है, या किसी की दादागिरी हम चलने नहीं देंगे और किसी भी नागरिक को कोई भी तकलीफ देने का काम करेगा। ये सलमान तो एक हमारा बहुत बड़ा इंडस्ट्री में बहुत ही पॉपुलर फेस है और उसके परिवार की जिम्मेदारी भी हमारी है, सरकार की है और या ऐसी कोई गैंग वांग यहाँ पर चलेगी नहीं।
किसी की दादागिरी या मुंबई महाराष्ट्र में हस्तक्षेप लेने देंगे। और ये जो पकड़े हुए हैं उनसे पूछताछ शुरू है, यह जड़ तक पूरी इंक्वायरी जाएगी और जो भी इसमें शामिल है जो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी और इसके अंदर सलमान को पूरी तरह सुरक्षा देने की सूचना मैंने पुलिस कमिश्नर को दी है, उसके परिवार को भी सुरक्षा देने की सूचना दी है। और बिल्कुल सलमान को कहा है चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हम सरकार आपके साथ है, ये सरकार लोगों की सरकार है और इसलिए लोगों की हिफाजत करना उनकी रक्षा करना हमारा काम है और हम करेंगे। सर विपक्ष का कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार में फेर हो रही है, कानून व्यवस्था स्थिति खराब हो रही है, कल उद्धव ठाकरे ने कहा था, सर जानना चाहेंगे सर कि कैसे विपक्ष को जवाब देंगे सर आरोप आए गोलीबार जिस तरह से विपक्ष इसमें आरोप कर रहा है। ए मोबाइल खाली कर मराठी में। अरे मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता कि पिछले सरकार में क्या क्या हुआ है, मैं इस हादसे का फायरिंग का समर्थन नहीं कर सकता हूँ। ये जो भी उनको उखाड़ के फेंकेंगे, हम जो भी गैंग इसमें आई है पूरी तरह जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम हमारी पुलिस करेगी। और बिल्कुल ये विपक्ष के बारे में मैं निश्चित रूप से बताऊंगा, मिट्टी में मिला देंगे सर, पूरी तरह ये उखाड़ के फेंक देंगे और उनको पूरी गैंग को मिट्टी में मिला देंगे। ऐसी हमारी पुलिस है और ऐसी हमारी सरकार है, यहाँ पर किसी ने भी हमारे महाराष्ट्र के मुंबई के जनता के खिलाफ आग उठाने की कोशिश की तो उसकी जगह उसको दिखा दी जाएगी। सर मराठी मध्ये सर भुसणे गॅंग संदर्भात मराठीत सांगा, पुलिस का अभिनंदन करना चाहिए कि तुरंत कुछ ही घंटों में आरोपी को पकड़ा गया है और आरोपी को पकड़ा गया है, इंटरोगेट करेंगे और जो भी शामिल है उसको पूरी तरह मिट्टी में मिला देंगे उखाड़ के फेंकेंगे। थैंक यू सर।